हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। एंड गाइस, आज थोड़ा सा तो धूप निकला है। सुबह जो कोहरा मचाया हुआ था ना पूरा चारों तरफ, मतलब इतना ज्यादा ठंड भी लग रहा था। तो तब से मैं बेड में पड़ा हुआ था, बेड के अंदर ही एडिट वगैरह कर रहा था। और अभी आया हूँ छत की तरफ, धूप तो निकला, चलो सही है। ये धूप मतलब नाम का है, एक दो सेकंड के बाद ये फिर से गायब हो जा रहा है। ऐसा है, ये देखो कब बारिश हो जाएगी पता नहीं। गाँव में इतना दिन हो गया, कब जाएंगे उड़ीसा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जब एडजस्ट हो रहा हूँ ना तो अच्छा लग रहा है। बहुत देर के बाद अभी जा रहा हूँ नदी। तो दो भाई निकल चुके हैं, जा रहे हैं नदी की तरफ। बता सकता है कितना बजा है? हाँ, कितना बजा होगा, गेस करो क्या कितना बज सकता है। अभी कितना बज रहा है वैसे? बारह बज रहा है। रुको मैं टाइम भी दिखाता हूँ, ये देखो 12:17 हो रहा है। और वेदर का हालत, मौसम का हालत कैसा है आज? ना धूप ना बारिश, कुछ नहीं है, एकदम बीच में लाके छोड़ दिया है। बस गर्म लग रहा है। गर्मी लग रहा है, क्या बात कर रहा है। खेतों से हमें जाना पड़ता है नदी। जिस दिन यहाँ पे धान वगैरह लगा हुआ रहता है ना, उस समय तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उधर जाना। गांव वाले इधर जितना भी गाय बकरी वगैरह जो है छोड़ के रख देते हैं, लोग अपने आप चरते रहते हैं। ये देखो, इसका नाम है मुगलाई। देखो मुगलाई से मिलो। आज कितना दिन है गांव में हम लोगों का? 5 हो गया ना। हम लोग आए थे संडे को, संडे को आए थे ना, संडे मंडे ट्यूसडे। अबे आज डेट का, आज कौन सा वार है? नदी जाने का जो सबसे बेस्ट रास्ता मेरे को कौन सा लगता है, ये जो यहाँ से हम लोग आते हैं ना, कुछ अलग ही लगता है। सुबह सुबह तो भाई कोहरा तो इतना ज्यादा था, हम लोग सोचे थोड़ा धूप निकलेगा फिर निकलेंगे नदी की ओर, लेकिन धूप आ ही नहीं रहा। 12 बज के पार हो गया, अभी भी वैसे ही वेदर है। सुबह सुबह नदी इसलिए आता हूँ क्योंकि गाइस वीडियो को अपलोड करना भी रहता है, तो इस बहाने इधर हम लोग अपलोड भी करते हैं और ब्रश भी कर लेते हैं। नहीं तो घर में भी कर सकते थे ब्रश, अपलोडिंग नहीं हो सकता है घर में, इसीलिए इतना तामझाम। और इस बहाने हम लोग का मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है और गांव में आए हैं तो गांव का भी मजा ले पा रहे हैं। और ये जगह है जहां पे अपन वीडियो अपलोड करते हैं।
हो चुका है। लेट्स गो दोस्तों, अब जाएंगे सीधा। नाश्ता कौन करता है, सीधा लंच करेंगे। लो जी भाव, रूम पहुंच चुका है। कुछ ले रहे क्या बोटा, क्या बोटा? ओ दे डांट वगे ये देखो आज खाने में है एकदम सीधा सरल खाना। आज गुरुवार है। मैं ये थाली लेके आया था वो सब्जी के लिए, फूलगोभी का जो सब्जी है उसके लिए लाया था, और अभी ये पहुंचाने भी जा रहा हूँ। मम्मी आ गई और उधर सब खा रहे। बच्चा पार्टी लोग उधर खाना खा रहे और हम लोग इधर अभी मूवी देख देख के मस्त खाना खाएंगे। तब तक फोन भी चार्ज में दे देता हूँ। तो गाइस शाम हो चुका है और जैसे कि आपको शोर सुनाई दे रहा है, गाइज मैं अभी आया हूँ। इस फोन में सिस्टम अपडेट आया है, ये चाचा जी का फोन था तो मेरे को देख के अपडेट कर देना। तो अपडेट कर रहा हूँ लेकिन ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार पूरा डाउनलोड हो जा रहा है, फिर से डाउनलोड हो रहा है, पता नहीं क्या है। और फिलहाल ये इन्फिनिक्स का फोन है, ये देखो ठीक ठाक है, सही तो लग रहा है, काम चलाओ। मतलब ऐसे ही ऑफिस हुआ, कॉल करने के लिए वैसे उन ज्यादा गेम नहीं खेलते हैं ये फोन में, बस यूट्यूब यही सब करते हैं। इसमें एक अपडेट आया, मैं देखा तो बोले चाचा जी कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। अपडेट होने से फोन सही सलामत रहेगा, नहीं तो फिर कब लुढ़क जाए पता नहीं चलेगा। अचानक से देख रहा हूँ हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है अगर अपडेट नहीं करूँ तो। सीधा अपडेट करने आ गया मैं। चिकन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो खैर गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।